हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, रेलवे भर्ती परीक्षा 2018 से संबंधित न्यू वेटिंग लिस्ट अपडेट के बारे में हम आपको एक नई वेटिंग लिस्ट के बारे में जानकारी देने वाले हैं। रेलवे भर्ती परीक्षा 2018 से संबंधित है, जिसका सीएन नंबर है 3/2018 से संबंधित है। दोस्तों बात करते हैं, आज आरआरबी इलाहाबाद की महासंग्राम शुरू हो चुका है, एक के बाद एक धमाकेदार वेटिंग लिस्ट क्लियर कर रहा है आरआरबी इलाहाबाद। दोस्तों करीबन करीब आल आरआरबी यानी सभी आरआरबीओ से एएलपी, टेक्नीशियन, जेई, ग्रुप डी आदि की स्टैंड बाई कैंडिडेटों की वेटिंग लिस्ट क्लियर हो रही है, एक के बाद एक धमाकेदार वेटिंग लिस्ट क्लियर हो रही है 2022 में। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता ही, ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है, ऑफिशियल लेटर रेलवे एडिशनल पैनल आउट अंतिम महत्वपूर्ण वेटिंग लिस्ट जारी कर दी गई है। दोबारा से होगा मेडिकल एग्जामिनेशन, क्यों दोस्तों दोबारा से मेडिकल एग्जामिनेशन क्यों होगा, ये सब जानकारी इस पैनल में आपको मिलने वाली है। ये आपके सामने ऑफिशियल लेटर है जिसको जारी किया गया है अभी। तो दोस्तों देख लेते हैं न्यू धाम, तो दोस्तों चलते हैं और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देख लेते हैं कौन सा पैनल अभी जारी हुआ है। तो दोस्तों आपके सामने ये नोटिस एडिशनल पैनल सीएन नंबर 3/2018 से संबंधित है, और ये एडिशनल पैनल के रूप में रखा गया है आरआरबी इलाहाबाद से संबंधित है, जो कि आरआरबी प्रयागराज के नाम से भी जाने जाने लगा है। एडिशनल पैनल वीआरएस कैटेगरी यानी भिन्न भिन्न कैटेगरी के लिए जेई, डीएमएस, सीएमएस, सीएमए आदि के लिए जारी किया गया है, जिसका सीएन नंबर आपके सामने 3/2018। नोटिस नंबर 3/2020 डेट 10/2/2022 फाइनली प्रोविजनल पैनल जारी किया गया था। दोस्तों ये पहले एक रूप से प्रोविजनल पैनल जारी किया था और उसका नोटिस नंबर ये था, और वो 10/2/2022 को जारी किया गया था। उसके बाद पोस्ट ऑफ जेई, डीएमएस और सीएमए सीएन के अपलोड आरआरबी वेबसाइट, तो उसका प्रोविजनल पैनल जारी किया था। अभी जो पैनल किया है वो एडिशनल पैनल किया है, फ्यूचर रिप्लेसमेंट पैनल 1, 2, 3 वीआरएस कैटेगरी जेई, डीएमएस, सीएमए अंडर सीएन नंबर 3/2018 का अपलोड कर दिया गया आरआरबी इलाहाबाद की वेबसाइट पर। तो दोस्तों ये द फ्लोइंग कैंडिडेट विन बी ऑन मेट प्रेफरेंस एंड कम्युनिटी यू आर प्रोविजनली शॉर्ट लिस्ट एडिशनल पैनल डिटेल बिलो, यानी दोस्तों आपको मेट लिस्ट के आधार पे और कैटेगरी कम्युनिटी यानी जाति के आधार पे लिया गया है, जैसा कि आपको ओबीसी, एससी, एसटी आदि के अलग अलग कैटेगरी के कैंडिडेटों को अलग अलग मेरिट लिस्ट के आधार पर लिया गया है। दोस्तों इसमें पहली बात कर लेते हैं, आप यहाँ पे आपको इसका सीरियल नंबर दिया गया है, कितने कैंडिडेट हैं, फिर यहाँ पे रोल नंबर्स दिए गए हैं, और यहाँ पे आपको कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, और बुक्ड अगेंस्ट यानी आपको किस कैटेगरी में बुक किया गया है, और यहाँ पे आपको ऑल ओवर रैंक दी गई है, यहाँ पे आपकी मेरिट लिस्ट दी गई है, आप कितने नंबर लेके आए हो मेरिट लिस्ट में। तो इस प्रकार से इसमें सब कुछ जानकारी दी हुई है, यहाँ ओवरऑल रैंक दी गई है। तो दोस्तों इसमें धमाकेदार वेटिंग लिस्ट क्लियर की गई है सभी कैटेगरी से, जैसे कि यहाँ देख लेते हैं आपका पोस्ट कोड एनसीआर जूनियर इंजीनियर ब्रिज से संबंधित है, उसमें एक कैंडिडेट को लिया गया, वो भी जनरल कैटेगरी से लिया गया और जनरल इसने फाइट किया। उसके बाद यहाँ देख लेते हैं दोस्तों, ये ओबीसी कैंडिडेट हैं और ओबीसी इसने फाइट किया, और एससी, 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 इसी प्रकार से दोस्तों इनमें सभी कैंडिडेटों के बारे में हम आपको जानकारी, अलग अलग कैटेगरी से अलग अलग कैंडिडेट पास किए गए हैं। तो दोस्तों काफ़ी लंबी वेटिंग लिस्ट है और ये एक एडिशनल रूप से जारी की गई है अभी तो, और तो दोस्तों इसमें देख रहे हो आप सब इसमें दिया गया है एक एक चीज़, इसको आप ध्यान से देख लें। और जिन भाइयों को अगर आरआरबी इलाहाबाद से वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार कर रहे थे, तो वो एक बार आरआरबी इलाहाबाद की वेबसाइट को चेक कर लें और अपना देख लें। द रोल नंबर, तो मेरे प्यारे दोस्तों द रोल नंबर ऑफ द कैंडिडेट अरेंज्ड डिसाइडिंग ऑर्डर ऑफ मेरिट, यानी आपके ये रोल नंबर मेरिट लिस्ट के आधार पर डिसाइड किए गए हैं, इसमें जो लिस्ट की गई है। फिर यहाँ पे लिखा है अबव द अबव कैंडिडेट विल हैव गिव एन अंडरटेकिंग नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, नॉर्थ रेलवे एंड DLW एट द केस अंडर गोइंग मेडिकल री मेडिकल एग्जामिनेशन अगेन स्क्रेट प्रेजेंट मेडिकल फिटनेस,
यानी अभी प्रेजेंट की जो मेडिकल फिटनेस है कैंडिडेट की, उसके आधार पर रीमेडिकल एग्जामिनेशन होगा दोस्तों। यानी जो पहले मेडिकल हुआ उसको कैंसिल करके दोबारा से आपका वही 24 रुपये का टिकट कटेगा और रीमेडिकल एग्जामिनेशन होगा, क्योंकि उसकी प्रेजेंट की फिटनेस चेक करने के लिए, उसकी फिटनेस यानी कि अभी वो प्रेजेंट में नौकरी करने लायक है या नहीं है, उसके शरीर में कोई कमी तो नहीं है, इसी कारण से दोबारा से रीमेडिकल एग्जामिनेशन होगा दोस्तों। मेडिकल प्रेजेंट मेडिकल फिटनेस और पोस्ट केस फाउंड फिट, यानी आप एकदम फाउंड फिट होने चाहिए, नॉट फाउंड फिट देयर कैंडिडेट। अगर एग्जाम मेडिकल एग्जामिनेशन फेल हो जाता है तो उसकी कैंडिडेट की निरस्ता कर दिया जाएगा उस कैंडिडेट को, और रेलवे नॉर्थ सेंट्रल रेलवे नॉर्थ रेलवे एंड DLW एक्सलेंट प्रोड्यूस। अगर दोस्तों इसकी प्रिंटिंग में कोई भी गलती हुई हो तो RRB इलाहाबाद इसकी जिम्मेदार है। आपको यहाँ लिखा है शॉर्टली कैंडिडेट शुड बी एडिशनल पैनल प्रॉपरली प्रोविजनल एंड डज नॉट कन्फर्म, यानी अभी ये एक प्रोविजनल रूप से पैनल जारी किया गया है प्रॉपरली, अभी आपका कन्फर्म नहीं है कि आपका रेलवे में सिलेक्शन हो गया है दोस्तों। लेकिन ऑन द एनी राइट अपॉइंटमेंट ऑन रेलवे, यानी अभी रेलवे में आपका अपॉइंटमेंट नहीं लिया गया, अभी इसको प्रोविजनल रूप से लगा गया। द नेम कैंडिडेट ऑफ लिस्ट बिंग फॉरवर्ड प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे नॉर्थन रेलवे और आपका वाराणसी लोकोमोटिव जो जो कि DWL से संबंधित है उसे कहते हैं वाराणसी लोकोमोटिव वर्कर्स में आपको दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों अपॉइंटमेंट कोर्स एक्शन द अपॉइंटमेंट विल बी टेकन प्रिंसिपल चीफ ऑफिसर पर्सनल ऑफिसर नॉर्थ सेंटर नॉर्थन रेलवे आदि को दिया जाएगा ये। उसके बाद दोस्तों आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होगा, यहाँ लिखा गया है ओरिजिनल करंट सर्टिफिकेट एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफाइड डेट ऑफ बर्थ कास्ट सर्टिफिकेट चरित्र सर्टिफिकेट और एफिडेविट आदि आपके लगेंगे दोस्तों। अगर इनमें कोई भी कमी पाई तो आपकी सदस्यता निरस्त कर दी जाएगी दोस्तों। उसके बाद एम्प्लॉय नोटिस नंबर 1/2018 के अंडरगत इशूड तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको ये जानकारी दे दी है। और उसके बाद आपका कैंडिडेट का एफिडेविट द डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट एंड कास्ट सर्टिफिकेट ये सब कुछ जानने के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका पूरा प्रोसेस होगा दोस्तों। और दोस्तों आपको एडवाइज़ किया जाता है कि RRB इलाहाबाद की ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहना है। नोटिस नंबर है 29/2022 का, जिसका डेट ऑफ इस 7/9/2022 को आज से 2-3 दिन पहले जारी किया गया है और चेयरमैन RRB इलाहाबाद लिखा हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है इस वेटिंग लिस्ट के बारे में। आज इसमें ऑल ओवर रैंक के बारे में सब कुछ आपको इसमें मिल गया है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से ये काफ़ी धमाकेदार वेटिंग लिस्ट क्लियर की है RRB JEE की और जूनियर इंजीनियर से संबंधित थी। और तो इसी के साथ दोस्तों मैं अभी वीडियो का यहीं अंत करता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेके आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद दोस्तों।